वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. हमने जो बाहर देखा ना कार्तिक, वो इससे पहले कभी नहीं देखा. दैट मास एंट्री, सबसे पहले तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मतलब मैं मास से ही निकला हुआ इंसान हूँ. क्या बात है. तो आई थिंक मुझे ये पहली बार ऐसा परफॉर्म करने का मौका जो रोहित ने दिया यहाँ पर, और पूरी टीम ने जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार उनका हूँ. और आई एम सो ग्लैड कि ये ट्रेलर जिस तरीके से पूरी फिल्म को डिपिक्ट करता है, उस तरीके, वो बहुत डिफिकल्ट था. आई नो कि किस तरीके से हमारे सारे प्रोड्यूसर्स एंड रोहित, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व. जब ये ट्रेलर इतनी बड़ी स्टोरी को एक डिपिक करने का जो यू नो उन पे एक सर पे काम था, तो बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी यू नो पार्ट ऑफ दिस मास एंटरटेनर. मैं पहली बार ऐसा मास एंटरटेनर फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें ये फिल्म, और अपना प्यार जितना अभी तक आपने मुझे दिया है, हम सबको प्लीज़ वापस से दीजिए. एंड यू नो व्हाट, जब एक आम इंसान एंट्री मारता है तो उसे नज़र का काला टीका लगाते हैं, जब शहजादा एंट्री मारता है तो उसे गुलाब का टीका लगाते हैं. That's a very good omen, yeah. All right. So, सबसे पहले एक और चीज बता दो इससे पहले कि बाकी सबको बुलाऊं यहाँ पे. You have turned a producer, Karthik Aaryan, producer. What do you have to say on that? नहीं देखिए, मैं एक्टर ही हूँ. मैं इस फिल्म में कुछ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ अभी. भूषण सर को देख रहे हो आप. थैंक यू सो मच. बेसिकली लव यू टू गाइज, थैंक यू सो मच. बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी फिल्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिल्म का हिस्सा होता हूँ, ना कि सिर्फ एक्टर की तरह, बल्कि हर तरीके से. और एंड आई एम ऑल इन फॉर माई फिल्म. तो आई थिंक प्रोड्यूसर का क्रेडिट मेरे नहीं, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का है. ये उन्होंने मुझे बस एक ऐसे टाइम पे वो एक क्रेडिट यहाँ पे दिया, मैं उसके लिए भी थैंक यू उनको करना चाहूँगा. बट इट्स ऑल देम, इट्स नॉट मी. अमेजिंग, दैट्स कार्तिक आर्यन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज द लीडिंग लेडी हु इज एवरीवेयर, यहाँ वहाँ हर जगह धमाल मचा रही है. शी इज गॉर्जियस, शी इज वेरी टैलेंटेड. यू गाइज हैव सेड इट, गिव इट अप फॉर कृति सैनन. दिस लुक्स फैंटैब्युलस. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द शहजादा वंस अगेन? थैंक यू सो मच. फर्स्टली थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग अस सो मच लव, फॉर बूस्टिंग आवर एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट टुडे. एंड we are meeting pretty often, yes, which is very nice, yeah. Fingers crossed. Yes aap itni sari filmein kar rahi hain, achhi baat hai na, achhi baat hai, humko bhi karne dijiye, thara aap hi karenge to film. But this film is very very special. It is very entertaining. Main bolu ya main nahi bolu? Thank you guys, thank you. But I have to say I have to say that honestly I feel India mein family values jo hain wo bahut, I feel very proud of them. I think we all do somewhere. Hamara jo rishta hota hai apne parents ke sath, mom dad ke sath, nana nani, dada dadi and all of that, jo I think kahin na kahin hamari industry jo hai wo dikhati thi pehle 90s ki filmon mein bahut dekhne ko milta tha, you know, emotion hota tha, action hota tha, romance hota tha, जो कहीं ना कहीं हमने करना थोड़ा बंद कर दिया. एंड आई यूज़ टू लव दैट. एंड आई व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म एंड यू नो द नरेशन ऑफ इट, फर्स्टली रोहित नरेट्स एक्सट्रीमली वेल एंड इट्स रिटन वेरी वेरी वेल. एंड यू नो आई रिमेंबर लाफिंग, फीलिंग, यू नो क्राइंग, ऑल ऑफ दैट. एंड दिस इज़ लाइक अ मॉडर्न वर्जन ऑफ दैट फॉर मी. सो इट इज़ अ फुल ऑन मास एंटरटेनर, बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस. Going with the entire family. Valentine's Day हम थोड़ा सा जल्दी मनाएंगे 10th को, तो 10th of Feb is Shehzada. And of course it was lovely working with Karthik again. हम लोग कितने साल के बाद आ रहे हैं? चार, एक वर्ल्ड कप हो गया. क्या? हाँ, चार लुक्का छुपी. हाँ, तीन या चार. Almost चार साल हो गए. Almost चार साल. Yeah. And I think we look pretty good together. Do we?
क्या नो बोल रही है क्या? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो? हो हो चिल्ला रहे, खुश है दे सिंह, ये सो आई इट वाज लवली वर्किंग विद हिम एंड ही इज अ फ्रेंड, ही इज समवन आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद एंड इट वाज एज एंटरटेनिंग एन एक्सपीरियंस एज द फिल्म इटसेल्फ एंड जस्ट आई हैव टू से आई फील रोहित दिस फिल्म इज लाइक रिलीजिंग देयर इज अ रिलीज आफ्टर लाइक 5 to 6 years which is outstanding and he's worked extremely hard so we must give it up for him. Rohit Dhawan, ladies and gentlemen, the director sahab. And yes, on that note, would request you could kindly come up, grace the stage. Ladies and gentlemen, the loudest round of applause for Rohit Dhawan. Tujhe shehzada bol jayenge, wahan bhi jayenge, sabko leke jayenge saath mein. Rohit bhai, congratulations. सबसे पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फिल्म रैप अप हो रही होती है, भाई साहब अपने घुटनों की फोटो उनके घुटने की फोटो जो है वो इंटरनेट को तोड़ देता है क्वाइट लिटरली. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन वर्किंग विद दीज टू वंडरफुल पीपल, ऑफ कोर्स विद टी सीरीज एंड द एंटायर टीम ऑफ शहजादा? Oh, it's been an absolute pleasure making this film. And firstly, I'd like to thank Allu sir, because it all starts with the script. And without this material, we wouldn't have this film today. And Bhushan sir, Aman, and so it's been a very, very beautiful journey for me. And working with Kriti and Karthik, I've never had such a good time working with two actors. And it's such a, you can see what he's put into this film. It's not an easy film for an actor to do, and I've literally had him by my side day in day out. So isne to sirf ghutne nahi, isne khoon paseena sab dala hai picture mein, jo aap dekhoge finally jab picture lagti hai. And hopefully everyone's hard work pays off, fingers crossed. Yes, absolutely. Jab ye film aayegi to iska result aise hi kuch hone wala hai. Now it's time to invite on stage the producers of this film, ladies and gentlemen. We'll start with the man who's known to have this Midas touch. Jis cheez ko chhu dete hain wo sone mein badal jati hai. Blockbusters pichle saal do sabse badi aur do national awards inki filmon ko mile, the one the only Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. Isse pehle ki main Bhushan sir se, Allu sir se sawal poochun, yes, you guys can go quick, ek minute, we'll just have a quick photo op and then we'll go ahead. Thank you so much. Bhushan sir, this one's for you. Unless and until there is a T-Series logo on the posters, it is not big enough, is what the entire industry and everybody is saying. How do you see Shehzada? And ye sabse pehli blockbuster hone wali hai saal ki, what do you have to say on that? Aisi bahut badi blockbuster hone wali hai, kyunki isme Kartik Aaryan hai. Ooh! Oh! Nahi, but abhi hamari teen, humne filmein saath mein ki hain, teenon blockbuster rahi hain. And this is a pure family entertainer. Rohit ne bahut achhi direction ki hai film ki. I've seen lot parts of the film. Yes. And Kriti ne and everybody has worked brilliantly in the film. So we are hoping ki 2023 ka ye bahut bada start ho hamari industry ke liye, and we want all the blessings from the audience ke sab log ye jaake film theater mein dekhe. Amazing. Zordar taaliyan ho jaye ek bar. Come on, ladies and gentlemen. Thank you. Allu, Arvind, Garu, welcome. Thank you so much for being here, and thank you so much for doing this. If you have to, tell us about this experience of working with this amazing star cast and the wonderful producer that Bhushan sir is, what do you have to say? I have a long association with Bhushan sir. Yes. Ji. It's not me. Yes. And our hero, when I saw the first rushes. Yes. I was skeptical inside, like how best he can pull this out. Yeah. I was flat. Whoa! I was coming flat. From you, sir. Means a lot. Way. Yeah. And thanks to my friend. Yeah. He has done the best. I'm proud I've done with his father and now with him. Brilliant, sir.
the most beautiful woman in my film. The man has spoken, ladies and gentlemen. Of course, thank you so much. You were saying something, sir, about this very gorgeous lady here. No. His association is also very long. Whatever men, I'm not here to produce it, and he did it for me. Right. I thank him very much for that. Right. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सर. अमन सर, दिस वन्स फॉर यू. आप मुझे थोड़ा सा बता दो, मुझे पता लगा ऐसा अब तो हर कोई शहजादा बोल रहा है. द फ्रेंजी दैट वी सॉ आउटसाइड, यू नो, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट. और सेट्स पे भी ऐसे ही चल रहा है कि मतलब अब शहजादा आ गया है. या आई मीन, जैसे आपने बाहर देखा वैसे ही चल रहा है इसके साथ. आई मीन, पिछले एक दो साल से पब्लिक इसके पीछे ही आगे घूम रहा है. तो हमने सोचा GT गैलेक्सी में मास तरीके से इसको एंट्री देते हैं. एंड Everyone disappointed stands, so we're happy everybody likes the trailer, and I think Komal likes it the best, so we're really happy. We can see that Komal sir ki muskan wahan pe, aur Bharti ma'am ko bhi dekh raha hu main badi der se. Bharti ma'am to sab kuch pasand karti hai jo Kartik ko kriti karte hai. Kartik ko sab pasand karte hai. All right, on that note, ladies and gentlemen, ek bar zordar taaliyan ho jaye is team ke liye. And it's over to the wonderful, wonderful members of the media. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं. सर, कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग. हेलो 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 हेलो. ऑलराइट, सो गाइस, वी लव यू ऑल. जस्ट एक छोटी सी गुजारिश है, वील बी टेकिंग सम क्वेश्चंस हियर, है ना, उसके बाद देन वील कैरी ऑन विद दिस. हेलो, सो यस, हाय नितिन जी. नितिन यो, हाय, हेलो, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम गाइस. एक बार थोड़े सवाल जवाब करते हैं, फिर धीरे धीरे. हाँ, फिर हम सब. अरे नहीं, सॉरी, क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बस मूवी देखने आ जाना बस. पर हाँ, इनका सवाल पूछते हैं, इनका सवाल सुनते हैं सब लोग. हाय, पूजा नवाथ है, यू आर फ्रॉम ऑसम टीवी. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, द ट्रेलर लुक्स सिंपली ऑसम. सो माय क्वेश्चन इज टू कार्तिक. कार्तिक, लास्ट ईयर विद इन 2022 आपने भूल भुलैया 2 के सक्सेस के साथ पूरे बॉक्स ऑफिस पर राज किया, एंड नाउ यू आर बैक विद द बैंग. शहजादा, मतलब यू सीम टू बी द न्यू शहजादा एट द बॉक्स ऑफिस. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुन लिया. आई मीन, बस फिंगर्स क्रॉस. मैं चाहता हूँ कि 2022 जैसा साल गया है विद भूल भुलैया 2, जिस तरीके की वो एक सक्सेस थी, आई होप इस साल शहजादा भी उसको भी पार करे और एक सबको उतना ही एंटरटेन करे और लोग बार बार जाके थिएटर में भी फिल्म देखें. तो आई होप कि ये सक्सेस वापस से दोहराऊँ 2023 में विद शहजादा. भूषण जी से है. भूषण जी कार्तिक प्रोड्यूसर भी बने हैं, तो उनके क्या कुछ इनपुट्स थे और आपने कैसे गाइड किया उन्हें? आपने क्या कुछ टिप्स दिए कार्तिक को? सी, इनपुट्स इनके हमेशा रहते हैं. इवन इन भूल भुलैया काफ़ी इनपुट्स थे, और एक एक्टर का इन्वॉल्व होके पिक्चर में अपने करेक्ट इनपुट्स देना पिक्चर के लिए फायदेमंद ही होता है. तो ही इज़ ऑलवेज पूरे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इवन इन द ट्रेलर, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. सो वो एक चीज़ होती है, तो टीम वर्क से यू गेट अ बेटर फिल्म. अब कार्तिक, हाय, अब फाइनल ईयर है. अरे हाय, हेलो हेलो, गुड टू सी यू. आपको याद होगा मैंने आपको यहीं से अब कॉल किया था जब आपकी फिल्म देखी थी मैंने, भूल भुलैया 2. जब भूल भुलैया 2 देखी थी तब. yes, और आज बहुत हमारा बर्थडे भी सेम दिन पे आता है. हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे हैं और इस तरह का रिएक्शन देखे. थैंक यू. तो वो मूवी बहुत बड़ी हिट हुई थी जैसे हमको पता है, तो क्या ये टाइम आपको लग रहा है कि वुड यू लाइक टू गो लिटिल मोर अहेड 200 करोड़ क्लब? फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप कि शहजादा और भी ज़्यादा नंबर करे और एंड इंडस्ट्री नीड्स इट. तो आई थिंक ये एक वैसी मासी फैमिली एंटरटेनर है जो ऐसा जो बनाई इस तरीके से कि आप लोग ग्रुप में जाएं और फैमिली के साथ इंजॉय करें, थिएटर में आके भर के अलग अलग बार लोगों के अलग अलग लोगों के साथ बार बार देखें. तो आई होप ये उसको भी क्रॉस करें. भूषण जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है. आप जी, एक साल में बहुत सारी मूवीज यू नो हमेशा होती है, तो ये क्या राज है इसका? हाउ डू यू काइंड ऑफ यू नो डू दिस? इतनी सारी मूवीज बनाना इज नॉट ईजी.
सी वी वर्क फॉर्म एज अ स्टूडियो मॉडल, तो उसमें हम सब डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो मीन्स तो चीज़ हो जाती है डिवाइड एक्चुअली. Do you do it? Actually, nobody does it. So yeah, all the best. Thank you. Right. Switch it on. माइक वहाँ जाएगा तो. कृति, लुका छिपी में आपकी पेयरिंग काफी पसंद की गई थी कार्तिक के साथ. थोड़ा लाउड बोलो ना. हमारी पेयरिंग बहुत अच्छी थी लुका छिपी में. एंड इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स गोना बी अनदर ब्लॉकबस्टर, डू यू थिंक सो? एंड व्हाट मेक्स कार्तिक द बेस्ट को-स्टार? ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिए एक में. सो या आई थिंक वी लुक रियली गुड टुगेदर. एंड आई थिंक हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जो लोगों ने देखी, पसंद की लुका छुपी के टाइम पर, आई एम होपिंग दैट दे ऑल्सो लाइक अस हियर इन शहजादा. काफ़ी अलग है जिस तरह हम दिख रहे हैं इस फिल्म में. एंड पहली बार आई थिंक थोड़ा ग्लैमरस अवतार है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था. एंड थैंक्स टू रोहित, आई थिंक ही प्रजेंट्स लाइक हिज hero and heroine very very well. And you know, he has that aesthetic sense of the glamour. So I hope people like us. And mere aur iski I think tuning aisi hai, you know, when you know someone very well and aapki thinking ek jaisi hoti hai, aap jab set pe hote hain to ek give and take jo hai wo bahut easy ho jata hai, aap comfortable hote hain. Hamare kai bar suggestions aur ideas same aate hain, hum kai bar same baatein bol jate hain ek saath. सो ये पहले भी रहा है और ये अभी भी था. सो नथिंग हैज चेंज्ड. आई होप पीपल लव अस अ लॉट मोर देन यू ऑल लव्ड अस अर्लियर. कार्तिक, डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन समबडी कॉल्ड यू शहजादा फॉर द फर्स्ट टाइम? मेरी माँ ने मुझे बोला था बचपन में. तो वो मुझे आई थिंक सबके मम्मी पापा जब भी उनके घर पे ऐसे कुछ बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो फर्स्ट थिंग मे बी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं. मैं अभी आई रिमेम्बर दैट ऑल्सो. हेलो कार्तिक, टीम शहजादा, पहले तो कांग्रेचुलेशन इधर कार्तिक जी. जी सर, धमाकेदार मसालेदार ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए पहले तो आप सभी कांग्रेचुलेशन. थैंक यू कार्तिक. एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शहनशाह हैं, बादशाह हैं, दबंग हैं, और अब आप शहजादा जी. मतलब फ्रॉम एन आउटसाइडर बीइंग नोबडी टू शहजादा, बीइंग अ शहजादा ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर भी बन गए हो, इस जर्नी को आप कैसे देखते हो? इस किस चीज को इस जर्नी को कुछ नहीं, अभी भी बस थॉट यही है कि बस एंटरटेन करता रहूं. नाम आते रहते हैं लेकिन आई थिंक मेन थिंग इज कि आप एंटरटेन करें ऑडियंस को, और हर फिल्म के साथ अपने आप को भी मैं भी एक्साइटमेंट एक लाना चाहता हूँ. जैसे फॉर मी भूल भुलैया 2 में भी पहली बार जब हॉरर कॉमेडी कर रहा था तो वो मुझे एक तरीके से एक थ्रिल था, एक एक्साइटमेंट था उस जॉनर को क्रैक करने का. ये एक बिल्कुल ही मासी एंटरटेनर फिल्म है जो मैं पहली बार अगेन इसका पार्ट हो रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है. तो ये जर्नी में वो थ्रू आउट एक्साइटमेंट रखने की कोशिश की है. एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे टाइटल्स हो रहे हैं. But I really want to just entertain everyone and make them happy and make them, मतलब एक smile आनी चाहिए जब वो मुझे देखे. भूषण सर, आपके लिए शहजादा जो है हमारे लकी मैस्केट होते जा रहे हैं लगातार बैक टू बैक. अब ये फिल्म को देख के भी कृति और इनकी पेयरिंग को देख के लग रहा है कि भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है. जी थैंक यू. थैंक यू. तो शॉर्ट भारती कार्तिक टाइटल किसका सजेशन? कार्तिक हाय. कार्तिक टू योर लेफ्ट. The start, it was one of the 4-5 titles. देखी इस आदमी को. तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैं ड्राफ्ट के ऊपर टाइटल बदलता रहता था. सो शहजादा जस्ट स्टक ऑन एंड इट फेल्ट मोस्ट एप्ट, यू नो, बिकॉज द थॉट दैट शहजादा स्टार्टेड विद वाज के ये दुनिया का सबसे गरीब प्रिंस है. ये खुद नहीं जानता विच फैमिली ही बिलोंग्स टू एंड इन द फिल्म.
यू नो, तो खुद नहीं जानता कि शहजादा है, सो दैट्स व्हाई द टाइटल सीम्ड लाइक द परफेक्ट फिट. कार्तिक हाय टू योर लेफ्ट. रसल डिसिल्वा, एक्सक्यूज, रसल डिसिल्वा फ्रॉम पीटीआई. हाय, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू रसल? गुड गुड, आई एम गुड. कार्तिक, जहाँ पे आजकल कह रहे हैं कि एक्टर्स का स्टारडम थोड़ा बहुत यहाँ पे शायद डगमगा रहा है, आपका स्टारडम का अलग ही वेव चल रहा है. बच्चों से लेकर लड़कियों तक, ग्रैंड पेरेंट्स तक, सब लोग, यू नो, दे कैन नॉट गेट इनफ ऑफ यू. लुकिंग बैक फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म, फ्रॉम प्यार का पंचनामा, एज अ बॉय आई रिमेंबर दैट टाइम यू टोल्ड मी यू आर ट्रैवलिंग इन लोकल ट्रेन, स्टेइंग विद 7-8 पीपल इन वन रूम, एंड नाउ सीइंग एज बॉलीवुड सेवियर and one of the biggest stars to probably take over the mantle from the Khans and Akshay Kumar and all. What's the secret and how do you see your journey? I think journey mein ja raha hu main apni journey ko bas jaisa maine pehle bhi bola main bas entertain karne yahan pe aaya hu aur main bhi wo apni filmon ko dekh kar khush hona chahta hu, enjoy karna chahta hu. Main bhi theater mein ja ke jab dekhu to mujhe bhi maza aana chahiye aur bas mera bas wahi ek nazariya hai. Having said that, I love my fans. I love them a lot. मतलब जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है और जितना support fans ने मुझे दिया है अब तक, वो मैं कभी भुला नहीं सकता. और वो बहुत compassion, वो बहुत अलग तरीके का प्यार है जो और मुझे बहुत अच्छा लगता है photos खिंचवाना और उनके बीच में रहना, उनसे interact करना. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. एंड क्योंकि मैं आई थिंक मैं भी उस साइड रहा हूँ जहाँ मैं भी फ़ैन रहा हूँ, एंड तो अब मैं इस साइड आके वो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है. तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई इन्जॉय. एंड तो मैं उस चीज़ को ऐसे कोई कॉम्पिटिशन में नहीं देखता, मैं बस अपना इंटरटेनमेंट वाला काम करते रहना चाहता हूँ. और हाँ, मतलब ये अभी जो चल रहा है मैं बस खुश हूँ, उड़ रहा हूँ. कृति, हाय. यो कृति, कृति, यो यो यो. ओके, आई कम टू यू मैम, आई कम जी. पूछो. मेरे एक मित्र ने भूषण जी से अभी अभी पूछा कि क्या आप और कृति उनके लिए लकी मैस्कॉट से. मैं आपसे वो सवाल रिवर्स करना चाहता हूँ. बैक टू बैक फिल्म्स यू हैव डन विद दिस अमेजिंग प्रोड्यूसर, डू यू सी हिम एज अ लकी मैस्कॉट फॉर योरसेल्फ? सॉरी, फिर से बोलना. डू यू सी भूषण जी एज अ लकी मैस्कॉट फॉर योरसेल्फ? क्योंकि व्हेनेवर यू, ऑफकोर्स ही इज, जितनी भी फिल्में हमने उनके साथ की है दे हैव बीन सक्सेस. एंड आई थिंक 3 पिक्चरें हो और चौथी मतलब ये हो जाएगी अभी, तो आई होप कि ये भी उतनी बड़ी सक्सेस रहे. तो ऑफकोर्स ही हैज़ बीन अ लकी मैस्कॉट एंड आई होप दिस जर्नी कंटिन्यूज. यस मैम. या कृति, हाय. पूजा, या फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. सो हमने ट्रेलर में देखा कि कार्तिक आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं. सो अभी अगर आपको कार्तिक की तारीफ करनी होगी तो वो क्या होगा? हाउ विल यू डिफाइन कार्तिक? डिफाइन, या लंबी टांगों वाला तो नहीं बोलूंगी. और कितनी? नो नो, ही इज एजुकेटेड. यू आर एन इंजीनियर ना? एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन. एजुकेटेड, टैलेंटेड, डिसिप्लिन. टोटा पटोला, क्यूटोला, क्यूटोला. Also, hi, Kartik. Yeah, thank you. Also, my next question is for Bhushan Kumar sir. So here, puja here. Yeah. Sir, humne Bhool Bhulaiya 2 se to aapne records tod diye, aag hi laga di, and people have loved the film. But Shahzada se kya hum log record tod payenge? Definitely tod payenge, kyunki ye I think Bhool Bhulaiya se bhi zyada family entertainer hai. And today after Drishyam we have seen ke family entertainer people are loving more, and this has everything. This has family, action, music, comedy, everything in this film. So I think we will be able to break the record of Bhool Bhulaiya also with this. Hi Kartik, Shubhajit here from IWM Buzz over here. Hi. Hello, hi. Good to see you, and I think lovely trailer. Congratulations to the entire team. My question to you is, koi bhi actress ho, wo Kriti ho, Sara ho, Ananya, anyone you work with, wo chemistry jo hota hai, it's always a 10 out of 10. I think one actor who always successfully does that or has done that over the years is Shah Rukh Khan. I know you love him to the core of your heart. So ye jo cheez hai, ye art hai, ye aapne unhi se sikha hai ki kya hai? Nahi, main apne director se seekhta hu. Wo matlab wahi mujhe scenes dete hain aur wahi mujhe ye performance ke liye bolte hain jo
जो सीन्स को परफॉर्म करने के लिए वो बोलते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ उनको उतना ही उम्दा करूँ एंड वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पर कृति के साथ. और मतलब हम दोनों की केमिस्ट्री लुक्का छुपी में भी बहुत बहुत अच्छी सराही गई थी. एंड एंड वी वर जब शहजादा भी कास्ट हो रही थी और हम दोनों की कास्टिंग हुई थी तो वी वर रियली एक्साइटेड. मतलब जब रोहित ने हम दोनों को भी बताया था कि ये कास्ट वो देख रहा है बिकॉज वो हमें याद है कि वो मैजिक उसमें लुका छुपी में बहुत हुआ था. तो होपफुली शहजादा में भी वो दिखेगा. एंड 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 या तो आई होप लुका छुपी से ज्यादा सक्सेस मिले आपको इस मूवी में. ऑल द बेस्ट. हाँ थैंक यू. हाय रोहित. Rashita, you're from Peeping Moon. Hi. Hi, hi. So the trailer looks fab. What caught my attention was the nepotism dialogue in it. So you come from a filmy family yourself, and of course Karthik has made it himself. How did you inculcate it? Because it's very interesting, even Kriti for that matter. Both of them are self-made today and are doing great projects. So how did you inculcate that dialogue in the film? It just seemed like a natural fit while writing it, and it actually deals with the character he's talking to. You know, who's got everything on a platter in life and he doesn't have dreams of his own. So it just fitted perfectly, you know, while just writing it. So it wasn't like a thought out or planned thing to do, you know, kyunki uski baat ho rahi hai media mein and stuff like that. And it just happened and it seemed like a fun line, you know. And it's one of those long Karthik monologues that you'll enjoy in the film. Yeah. We'll take two more questions, ladies and gentlemen. Karthik. Yeah, ji. Hello. Hi, I'm Manjari from Pop Diaries. And firstly, to the whole team of Shehzada, it's a blockbuster, guaranteed. I can tell you that. You're going to watch the film? Absolutely. First day, first show? Absolutely. Thank you. Thank you so much. My first question is to Kriti. You're looking smoking hot in the trailer itself. And I'm guaranteed in the movie also. You're looking completely on fire. You have the best lineup that any actress has this year. You know, with Ganpat and, you know, so what do you have to say about that? How are you looking at the year? Well, the year has just started and I'm hoping it starts with a bang with this one. I don't know, like in general, I feel like I'm blessed and fortunate that I have the opportunity of doing very different kind of films. You know, whether it is Shehzada or there's Adipurush coming or Ganpat and a few more. I'm blessed today to get those opportunities where I'm not put in a box and where they are very different kind of films, very different kind of roles and very different looks as well. So I think that's the most exciting thing for an actor, to be not repeating themselves and getting the opportunity to do something different every time. So I'm really, really excited for 2023, hoping it starts with a great, great bang with this one. Absolutely, I'm sure about that. My second question is to Aman Gill. Sir, I want to know, what was it like starting your product? You know, he's starting out as a producer, Karthik. And what was it like producing the film alongside him? Also, why did you think Karthik and Kriti would be the best for the roles that they are playing? Pehle Karthik bare sach bolu ki jhooth bolu? Kya sawal kya tha? Bhi producer banne mein, bhi, how does it feel to have Karthik on board as a producer? Yes, yeah, such. Painful. ये ही बहुत involved है. जितना involved director है उतना involved ये है. तो it's very blessing to have people involved. Kriti is equally involved, even though it's her role. She's not a producer, but every talent when they get involved in the film, ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, because then it becomes their film, right? It's not भी वो आए गए काम किया. वो हर रोज वही फिल्म के लिए सोचते हैं. तो प्रोड्यूसर के लिए वो बहुत अच्छा है कि आप साथ में जुड़ जाओ तो और काम करेंगे अच्छा. Well, I can guarantee you this couple works the best. They look great together. So, yeah. Bhushan ji, मेरा सवाल आपसे है. जी. इधर इधर. कहाँ है? Right side. अच्छा जी. मेरा नाम दीपक पांडे है. मेरा सवाल आपसे है कि बहुत ही प्यारा टेलर है और मेरा सवाल ये है कि इस जमाने में दो ही जोड़ी हिट हो रही है, कार्तिक जी की और आपकी, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? अभी तो बताया कार्तिक ने भी. बढ़िया. हेलो सर, वो बोल रहे हैं कि आपकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. हाय 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 कार्तिक.
Kartik here, Sharma this side from Home Bollywood. Hello. Firstly, the trailer look amazing. Secondly, would love to know, trailer mein ek scene hai where you slept Paresh Rawal ji. Being a senior, how difficult was it for you to do that particular scene? Because, you know, he is a senior. Actually, it's a very nice question. Kyunki ye mere bhi dimag mein aaya tha tab. Aur, but Paresh ji, wo, in fact, wo, unki wajah se wo scene bahut elevate hua. Jis tarike se unhone hi pehle mujhe, kyunki main confused ho gaya tha ki ye main kaise karunga. Of course, wo उस तरीके से दिखता है लेकिन ऐसा गलती से कभी भी लग सकता है वो बट यू नीड दैट एक ट्रस्ट चाहिए दोनों कोस्टार्स के बीच में कि यार अगर मैं ऐसी कोई चीज़ कर रहा हूँ तो वो भी उसी टाइम तो वो एक टाइमिंग का खेल है एंड ही इज़ यू नो किंग ऑफ दोज टाइमिंग्स तो उन्होंने मुझे बोल दिया तू टेंशन मत लेना सीन से पहले कि तू आराम से अगर वो आराम से मारना आराम से लेकिन खींच के मारना बेसिकली बोला था उन्होंने तू टेंशन मत लेना खींच के मारना और फिल्म के मूड में जाना तो बस वो मुझे बहुत हेल्प किया एंड देन या ऑफ कोर्स देन इट्स वन ऑफ द मोस्ट मतलब वो हाईलाइट है वो सीन एक तरीके से फिल्म में तो या इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम ऑल्सो जिस तरीके से वो आया वेल आई थिंक ऑन दैट नोट वी विल हैव टू रैप दिस अप लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है कार्तिक एंड कृति दे गोना बी आउटसाइड कैचिंग अप विद यू गाइस है ना लेकिन यहाँ पे इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद दीज वंडरफुल पीपल